आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। पवित्र रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद का चांद का दीदार होने के उपरांत आरा समेत पूरे भोजपुर में कोरोना महामारी के कारण ईद की नमाज लोगों ने घर पे ही अदा करने के उपरांत मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। लॉकडाउन के कारण सभी धार्मिक स्थल बंद होने से सादगी रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मनाई। नीतीश भारद्वाज जी, आज हम लोगों का मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये आज बड़ा फीका रहा। तमाम मुसलमान अपने अपने घरों में नमाज अदा किए और मस्जिदों में सिर्फ वही 4-5 लोग जो मस्जिद कमेटी के सदस्यगण हैं उन लोगों ने ही नमाज अदा की। बाकी तमाम मुसलमानों ने अपने घरों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की और देश के अमन चैन के लिए, भाईचारा के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए आज अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम लोगों के ये जो मुल्क में, भारत में जो ये बला आई है, ये बीमारी आई है, पेंडेमिक आई है, इसको दूर कीजिए ताकि हम तमाम भारत में रहने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिल के अगले साल हम लोग एक खुशगवार माहौल में ईद मनाएं और मुल्क की तरक्की की दुआ करें। इसलिए ये त्यौहार आज ईद की जो त्यौहार रही आज बड़ा फीका रहा है, क्योंकि मस्जिदों में, ईदगाहों में कोई नमाज अदा नहीं की गई। सभी लोगों ने सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए, बिहार सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की और अपने जिला, राज्य और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी और इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए ईश्वर से दुआ की। आप लोगों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? बस हम मिलजुल के रहें और इस बड़ी परेशानी में हम एक दूसरे का साथ दें, यही हमारी शुभकामना होगी। यही सबके लिए संदेश होगा कि हमारे जो भी लोग हैं उनको हम हिम्मत दें, हौसला दें, उनको कहें कि आप ज़रा भी घबराएं नहीं और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप साफ़ सुथरा रहें, मास्क पहनें, स्वच्छता को अपनाएं, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही हमारा ये कर्तव्य होगा। परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर शहबाज वारिस खान और निजी सहायक पूर्व बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा और सह प्राचार्य SKS कॉलेज शाहपुर भोजपुर। धन्यवाद।